आप आदतन जो सोचते हैं जाहिरन वो बनते चले जाते हैं। खुदगर्ज लोगों की दुनिया अपनी जात तक महदूद होती है। आप इनके लिए कुछ भी कर लें, अगले दिन इन्हें याद तक नहीं रहता। तजर्बाकार लोगों की तजावीज़ को ज़रूर सुनें, क्योंकि वो अपनी नाकामी की वजूहात भी जानते हैं। कभी कभी हम खुद से भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने मन में झांक नहीं पाते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मुझे इस मग़रूर और फ़ख्र करने वाले पर ताज्जुब होता है जो कल हकीकत में एक नुतफ़ा था और कल मुर्दार हो जाएगा। चार चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आँखों का खुश्क होना, कि अल्लाह के खौफ से कभी भी आंसू ना आए। दिल का सख्त होना, कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए कभी भी नरम ना पड़े। उम्मीदों का लंबा होना और दुनिया का लालच होना। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दो नसीहतों पर ज़रूर अमल करना। कभी बदनज़री ना करना और कभी मायूस ना होना। जिंदों की तारीफ़ करना हमारा दस्तूर नहीं। सबसे आला और बेहतरीन लुक्मा वो है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए और खाया जाए। सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है।